थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलिए आप सभी लोग पेज नंबर इंग्लिश बुक के पेज नंबर 54 ओपन कर लेंगे। 54 पेज नंबर पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको ये आप लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में इंग्लिश में, कुछ स्टोर्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर साथ करेंगे। ओके, स्टोरी क्या थी, स्टोरी क्या पढ़ रहे थे? ड्रामा। Yes. रमा पढ़ना लिखना सीखती है। चलो बेटा स्क्रीन पे सभी को बुक दिख रही है ना? Yes मैम। Yes मैम। आप लोग माइक बंद रखिएगा। No मैम। किसने No मैम? आंसर देगा। चलिए बेटा अभी दिखेगी आपको भी। Next. Find the answers from the story. चलिए जिस स्टोरी में लिख दिया, इस स्टोरी से आंसर्स को ढूंढते हैं, जो भी आंसर होंगे उसको ढूंढना है। पहला है Who said this and the whom? Who means कौन, said means कहा, this means यह, and means और, to means से, who means किससे, ठीक है? तो यह सेंटेंस जो है किसने किससे कहा, ओके? कौन किससे कहता है, सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेंटेंस को आपको रीड करना, देखना है कि सेंटेंस को कौन किससे कहा, whom is कौन, whom is किससे, तो सेंटेंस को कौन किससे कहा। पहला यहाँ पे देखा, यस सी इज रमा, हर फादर इज का मैं पहला हूँ, शांत रहिए पहले। हर फादर इज का सेक्रेटरी गॉड इन आवर अपार्टमेंट, यस यह रमा है, इसके फादर हमारे अपार्टमेंट के सेक्रेटरी गॉड है। सेक्रेटरी का नंबर कितना है, कितने आप पेज नंबर कितने का पूछते हो, पेज नंबर माइक बंद करिए, पेज नंबर 54। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए हमें, अदर सिंह इसका आंसर क्या होगा? सूरज बेटा अपना माइक बंद करिए, उसको बंद है। आर्यन बेटा माइक बंद करिए। हाँ बताइए हमें मैम किसने में क्या मैम किस पहले का आंसर क्या मैम मैम जिया मैम जिया और मैम जिया ने मैम हुसैन से कहा। आकाश चौधरी मैम जिया ने मैम हुसैन से कहा, तो आप बगल में राइट कर लीजिए यहाँ पे जिया सेड टू हुसैन। जिया सेड टू हुसैन पहले का आंसर है। मैम बुक में राइट, हाँ बुक में लिखना जैसे दिखा हुआ ऐसे बुक के सामने लिख दो बगल में। मैम पेज नंबर क्या है, कौन पूछा पेज नंबर? पेज नंबर क्या?
मैम मैम हेमंत माइक बंद करिए बोलेंगे अभी बंद करी हो बोलो नहीं मैम तो बात करना माइक हिंदी आती मैम बुक कौन सी है हां जी बेटा आपको रिमूव करेंगे अभी बेटा इंग्लिश बुक ए है बुक दीदी आई लव टू कम हियर एवरी डे आई वांट टू गो टू स्कूल टू आई वांट टू रीड बुक्स लाइक यू दीदी इस सेंटेंस को किसने किससे कहा है भाई यादव क्या दीदी आई लव टू कम हियर एवरी डे आई वांट टू गो टू बताए आई वांट टू रीड बुक्स मैम रमा सेड टू दिया चलिए बेटा आप बताइए दिव्यांशु जायसवाल मैम रामा सेड टू जिया आयुष आप बताइए मैम रामा एक टू जिया अहम माइक ऑन करिए आंसर क्या होगा इसका दीदी आई लव टू कम टू हियर एवरी डे आई वांट टू गो टू स्कूल टू मैम मैं आइडल नहीं मैं आइडल तो हम बेटा रिमूव करें आपको साथ नहीं लेना आपको ना बाबा कहने पर माइक ऑन कर लेती हूँ चलिए बुरे घर से कुछ नहीं पूछेंगे हम बैठे हो आराम से ठीक है चलिए बेटा आप बताइए आनंद कुमार माइक ऑन करिए Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका आंसर क्या होगा आनंद दीदी आई लव टू कम टू हियर एवरी डे आई वांट टू गो टू स्कूल टू आई वांट टू रीड बुक्स आई लाइक यू दीदी एम एवरी डे हमने कहा सेंटेंस को किसने किससे कहा स्टोरी आपने पढ़ा स्टोरी में इस वाक्य को किसने किसने कहा है कि मुझे भी यहाँ डेली आना पढ़ना अच्छा आना अच्छा लगता है मैं भी तुम्हारी तरह किताबें पढ़ना चाहती हूँ किसने कहा था ये मैम मैम रमा मैम तेजी रमा अमित को रिमूव करेंगे जब हम बोलते हैं एक सॉन्ग में अभी खुद माइक ऑन कर लेते हैं एक अनुष्का है मानसी आप यहाँ से लीव करिए क्लास लीव करिए आपको नहीं पढ़ना क्योंकि आप माइक ऑन करके बैठते थे तो बातें होती है आवाज आती रहती है यस मैम ना पढ़ना यहाँ से आप लीव करके जा सकती हो ठीक है कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की माइक ऑन करने की तो बातें होती रहती है बगल में क्या तुम उसको जानती हो इसका आंसर क्या होगा चले बताइए अगर आकाश चौधरी बेटा इसका आंसर क्या होगा डू यू नो हर क्या तुम उसको जानती हो बोले बेटा आकाश
इस सेंटेंस को किसने किससे कहा है? डू यू नो हर? मैम फ्रेंड ने मैम मैम रामा से मैम रामा से मैम हुसैन ने मैम रामा से नो बेटा हुसैन ने रामा से नहीं कहा है. डू यू नो जानती हो इसको हुसैन ने जिया से कहा है. ठीक है इसको रामा तो पता बताएं. हाँ बोलो सब चिंताएं बताइए. मैम हुसैन सेड टू मैम आपकी आवाज नो आ रही है. हमारी आ रही है ना बोल रहे हो तो हमको क्या बोलने जाता. राइट करने की बातें कर रहे हैं राइट करने तो कैसे बोलेंगे राइट करना राइट करी देखकर मैम हुसैन सेड टू जिया. देवांश वीडियो ऑन करिए. मैम एक्सक्यूज मी बोलो. मैम रमा सर तो मैम आगे का क्या लिख जाएगा? जिया दिख नहीं रहा था क्या? नो मैम फिर आगे देखते हैं. सब एकदम कंप्लीट हो गया है. आदत वर्मा मतलब राइट कर लिया कि नहीं अभी? यहाँ सेंटेंस पढ़ना है. अगर सही सेंटेंस होंगे तो आप टी लिखेंगे. अगर रॉन्ग सेंटेंस होगा तो आपको क्या लिखना है? एफ लिखना है. इसमें आपके राइट है बेटा. दमा एंड हुसैन वर प्लेइंग विद हर फ्लाइंग डिस्क. दमा हुसैन जो है खेल रहे थे फ्लाइंग डिस्क के साथ. इट इज करेक्ट सेंटेंस बेटा. मैम क्रू मैम क्यों होगा? मैम रॉन्ग मैम फॉल्स मैम रॉन्ग मैम फॉल्स मैम फॉल्स मैम क्योंकि मैम जिया हुसैन मैम खेल रहे थे मैम रामा जिया एंड हुसैन खेल रहे थे. ठीक है जिया एंड हुसैन वर प्लेइंग विद द फ्लाइंग मैम क्या रामा लिखा था? मैम खेल रहे यहाँ पे रामा लिखा होगा इसलिए रॉन्ग होगा. ठीक है यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए बॉक्स में सभी लोग. जमा वांटेड टू गो टू स्कूल. अनुष्का माइक बंद करिए. जमा वांटेड टू गो टू स्कूल. जमा स्कूल जाना चाहती थी. चलिए भाई यहाँ पे आदर्श मामा माइक बंद करिए. रमा स्कूल जाना चाहती थी. क्या सेंटेंस सही होगा? आदर्श वर्मा मैम क्यू चलिए विशेष आप बताइए. विशेष माइक ऑन करिए. यस मैम. रमा वांटेड टू गो टू स्कूल. सेंटेंस सही होगा या फॉल्स होगा? मैम बोलिए जल्दी से काफी आगे देखते हैं. होगा क्या होगा? मैम फॉल्स होगा. आपसे पूछा हमने. हेमंत माइक बंद करिए. चलिए आदर्श गुप्ता आप बताइए. आदर्श गुप्ता माइकल मैम फॉल होगा. मैम ट्रू होगा. मैम ट्रू
मैम ट्रू, मैम ट्रू, कौन बोला ये बेटा? अगर मैम ने कभी बोला ठीक है। यस मैम, सब में मुक करेगा जब खुद से माइक ऑन करेंगे उसके बाद फोन यहाँ से मुक किया जाएगा उसको, इतना याद रखना। एक बात कहने को नहीं नहीं आता आप लोगों को। तो आप बताइए बेटा सेंटेंस सही होगा या फाल्स होगा, फिक्टिव या फाल्स क्या होगा? जमा वांटेड टू मैम फाल्स, फाल्स होगा। समझ के बोल रहे हो कि वैसे अंदाज के बोल रहे हो? मैम समझ के, समझ के बोल तो ठीक है। समझिए बताइए इसमें आपने क्या समझा, लाइन का मीनिंग बताइए क्या होगा। विद्यांशु आप समझ के बोल रहे हो तो बताइए इस लाइन का मीनिंग क्या होगा। रमा वांटेड टू गो टू स्कूल, मैम रमा स्कूल जाना चाहती थी। तो फाल्स होगा। हाँ तो हम बताएं? नहीं आपने चैप्टर में पढ़ा रमा के बारे में, तो क्या रमा स्कूल जाना नहीं चाहती थी? विद्यांशु तो फाल्स कैसे होगा? आपने क्या समझ के इसको फाल्स बताया है? रमा वांटेड टू गो टू स्कूल, रमा स्कूल जाना चाहती थी, सही होगा कि फाल्स होगा? ये ट्रू होगा क्योंकि रमा तो स्कूल जाना चाहती थी, फाल्स नहीं होगा। यहाँ पे ट्रू ऐड करिए थी, टी समझ के ऐड की थी। जिया फादर इज आवर सिक्योरिटी गार्ड, जिया के फादर सिक्योरिटी गार्ड है बेटा, इट इज करेक्ट। सौरभ सैनी मैम, मैम फॉल्स, मैम ट्रू, यस मैम, मैम ट्रू, मैम फॉल्स, फॉल्स। आकाश बोल रहा है मैम फॉल्स, मैम फॉल्स। अनुष्का बेटा मूव करें आपको, ठीक है चलिए आपको क्लास नहीं लेना है। बाप माइक क्यों ऑन करती हो? खुद से माइक ऑन करके कोई एक भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, याद रखना। तो खुद से माइक ऑन करके बोलेगा उससे एक भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा और रिमूव भी कर देंगे उसको क्लास से। चलिए हेमंत आप बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। जियास फादर इज आवर सिक्योरिटी गार्ड, इट इज करेक्ट या रॉन्ग, क्या होगा ये बताइए। हेमंत आपसे पूछ रहे माइक ऑन करिए। मैं आई टेल, यस मैम। संकेत क्या होगा बेटा? जमा हुआ जियास फादर इज आवर सिक्योरिटी गार्ड, ये सही होगा या रॉन्ग होगा ये बताइए। मैम रामा मान जिया के फादर मैम सही, मैम मैं आइटल, मैम फॉल्स होगा। माइक बंद करिए। देवेश तिवारी आप बताइए। मैम यहाँ पर मैम फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? फॉल्स क्यों होगा यहाँ पे? मैम मैं आइटल, मैं आइटल, कौन बोल रहा है मैं आइटल, मैं आइटल कौन बोल रहा है यहाँ पे? मैम आदर्श चौधरी। देवेश बोले ना फाल्स क्यों होगा? देवेश तिवारी मैम, मैम मैम क्योंकि यहाँ पर मैम क्योंकि यहाँ पर हाँ बोलिए फाल्स तो बोल दिया, क्यों फाल्स है ये बताइए ना, क्यों फाल्स होगा ये? अगर हम कहें सही है तो बोलो कि सही है, फिर हम कहना कि सेंटेंस सही है तो क्या सही हो जाएगा ये? देवेश अंदाज के बोल दो वैसे हाँ सही है मतलब फाल्स होगा, लेकिन पता नहीं कि क्यों फाल्स है। श्री राधा सिंह आप बताइए फाल्स होगा या ट्रू होगा?
मैम फॉल्स होगा, मैम फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि जिया के फादर मैम सिक्योरिटी गार्ड नो थे, मैम रमा के फादर सिक्योरिटी गार्ड थे। यहाँ पे फॉल्स होगा बेटा क्योंकि जिया के फादर नहीं रमा के फादर सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे यहाँ पे आप लाइक करेंगे ऐप। लोग अंदाज के बोल देते हैं, पता नहीं चलता कि हाँ क्यों फॉल्स होगा क्यों ट्रू होगा, बस दिमाग में आप बोल देते हैं। देन जिया एंड रमा मेट एट द पार्क टू स्टडी, जिया एंड रमा मिले पार्क में पढ़ने के लिए, मिलते थे पार्क में पढ़ने के लिए एक दूसरे से। I'm true. पार्क में लोग पढ़ने के लिए मिलते थे एक साथ। रमा ब्रॉट गुआवास फॉर जिया एंड हुसैन, मैम ट्रू। हुसैन taught रमा to write, हुसैन ने रमा को लिखना सिखाया, इट इज करेक्ट बेटा। अनुष्का बताइए, मैम ट्रू, मैम ट्रू। अमित माइक बंद करिए। अनुष्का, हुसैन taught रमा to write, सेंटेंस सही होगा या रॉन्ग होगा? माइक ऑन करिए। वैसे बहुत बोलते हैं, पूछने पर नहीं बता रहे। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तब हुसैन taught रमा to write, ट्रू। सेंटेंस सही है बेटा, क्योंकि हुसैन ने रमा को लिखना सिखाया था, जिया ने रमा को पढ़ना सिखाया था, हुसैन ने लिखना सिखाया। चलिए आगे देखते हैं। Let's read between the lines, चलिए लाइन के बीच में रीड करेंगे और आंसर देंगे। Why couldn't Rama go to school like Jia? जिया की तरह रमा स्कूल क्यों नहीं जा सकती थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिया की तरह रमा स्कूल क्यों नहीं जा सकी? मैम फादर के पास मनी नहीं था, क्योंकि उसके फादर के पास इनफ मनी नहीं थे, जिससे कि वह रमा का एडमिशन। हाँ बताइए आदर्श। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। मैम बिकॉज रमाज फादर इज पूर। इसके आंसर को आप नोटबुक में नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे नोटबुक में, फिर आंसर लिखेंगे। Rama was the daughter of in high school. And her father did not have the money. Bolo. बोलो पूर नहीं, पुअर होता है, पुअर गरीब, सही है।
उसको पुअर ही कहते हैं, पू नहीं, पूर पूर का मतलब क्या है, पूर क्या होता है, पुअर बोलते हैं, ठीक है, पुअर, पी डबल ओ आर, पुअर मींस गरीब। मैम क्या पुअर मींस गरीब होता बेटा, ऐसे लिखे हो ना, वन मिनट बता दे रहे हैं, आपने ऐसे लिखा है ना, किसमें यही तो लिखा है, यस मैम, पुअर बोलते हैं, पूर नहीं, पुअर, नार, पुअर मींस गरीब, सही है, बिकॉज हर फादर वाज पुअर। रमा वाज द डॉटर ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड इन द स्कूल, रमा जो है सही है वो, हाँ सही है, रमा जो है पुत्री थी एक सिक्योरिटी गार्ड की जो की स्कूल में सुरक्षा कर्मी थे वो। हर फादर डिड नॉट हैव द मनी, उसके फादर के पास मनी नहीं थे टू सेंड हर टू स्कूल, से स्कूल भेज सके, ठीक है, उसके फादर के पास इतना पैसे नहीं थे कि उसको रमा को स्कूल पढ़ने भेज सके। नोट कर लीजिए, आपका भी सही है, बिकॉज हर फादर वाज पुअर, राम नहीं है। मैम हमने मैम जिस तरह से लाइक किया है मैम उसी तरह भेज दें। हाँ ठीक है भेज देना। मैम कॉपी में लिखना है? हाँ कॉपी में लिखना है। मैम आप डन? मैम हमने बुक में राइट कर दिया। नेक्स्ट है जिया टेल रमा दैट ही विल हेल्प हर रीड एंड राइट। जिया ने रमा से कहा, जिया टेल्स रमा, जिया ने रमा, जिया रमा से कहती है दैट सी विल हेल्प हर रीड एंड राइट। अमित माइक बंद करिए। जिया टेल्स रमा, जिया रमा से कहती है सी विल हेल्प हर, क्या उसकी हेल्प करेगी read and write, पढ़ने और लिखने में। What does this tell us about Jia? अब बताइए Jia ने ऐसा उससे क्यों कहा? What does this tell? तो Jia के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि Jia ने ऐसा क्यों कहा? बताइए Jia के बारे में क्या कह सकते हैं? Jia कैसी? मैम because मैम Jia tells करो। ये नहीं दोस्त। मैम मत रिलेट करो। इरेज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं इतना, क्योंकि जिया जो मैम क्योंकि जिया को मैम सिखाना आता था मैम, तो इसलिए उसने कहा कि तुम लिखो मैं बताऊंगी। कई लोग होते हैं सिखाना आता लेकिन सिखाना नहीं चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको सब कुछ आता लेकिन दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको आता था इसलिए उसने सिखाया, इसका मतलब ये होगा कि जिया एक दयालु लड़की थी, काइंड गर्ल थी और हेल्पफुल गर्ल थी, वह दूसरों की हेल्प करना चाहती थी, ठीक है। यहाँ पे नोट करेंगे जिया इज अ काइंड मींस दयालु, ठीक है, काइंड एंड हेल्पफुल गर्ल। मैम नोटबुक में राइट करना है इसको, नोटबुक में लिखना है, इतना करवा दिया पूछे, नोटबुक में लिखना है नंबर टू। मैम हम बुक में राइट करे हैं। क्यों बुक में लिखा है, नोटबुक लिखते कि बुक में राइट करते हैं, क्वेश्चन आंसर। मैम क्वेश्चन नंबर टू नोटबुक में राइट करना है। पहला किसमें लिखा है? मैम नोटबुक में। दूसरा भी नोटबुक में लिखेंगे। जिया इज अ काइंड एंड हेल्पफुल गर्ल, जिया जो दयालु और हेल्पफुल लड़की है इसलिए उसने उसकी हेल्प की, पढ़ना लिखना सिखाया रमा को। दूसरी आगे देखिएगा, अभी इतना हो गया है का आंसर है उसको देखते हैं पहले हम लोग। लेट्स गो बियॉन्ड द स्टोरी, अभी स्टोरी से हटके आपको करना है। व्हाट चेंज्ड, हां व्हाट चेंज्ड फॉर रमा व्हेन शी लर्न टू रीड,
क्या चेंज हुए होंगे, क्या बदलाव हुए होंगे रमा में जब उसने पढ़ना लिखना सीख लिया, तो उसमें क्या बदलाव हुए होंगे बताइए सोचकर। What change for रमा, रमा में क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए when she learned to read, जब उसने पढ़ना सीख लिया। आदर्श सिंह आप बताएंगे, जब उसने पढ़ना सीख लिया उसमें क्या बदलाव हुए होंगे या रमा में। What change for रमा, रमा में क्या चेंज हुआ होगा, क्या बदलाव हुआ होगा when she learned to read, जब उसने पढ़ना सीख लिया उसमें क्या बदलाव हुए होंगे। मैम रामा में यह बदलाव हुआ होगा कि वो भी मैम पढ़ना सीख गई, वो भी पढ़ना सीख गई मैम, और वो भी स्कूल मैम उस वो भी किसी को पढ़ना सिखा सकती थी, ठीक है पढ़ना बता सकती है, वो भी सीख गई है पढ़ना। चलिए इसका आंसर आप खुद से राइट करके सेंड करेंगे, क्योंकि आप लोगों को करना है ये बात, खुद कोशिश करना फिर राइट करवाएंगे, ठीक है हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा, फिर आंसर आपको खुद से राइट करेंगे, क्योंकि इसके आंसर को आपको खुद से करना रहता है, जितने कितना आपको कर पाते हो, अगर नहीं कर पाओगे तब कोशिश हम लोग करेंगे बाद में फिर हम करवाएंगे, ठीक है तो आपको कोशिश करना है इसको लिखना है। What changes for Rama when she learned to read, क्या बदलाव हुए होंगे रमा में जो उसने पढ़ना सीख लिया। ठीक है आदर्श गुप्ता सामने देख रहे हो, What changes for Rama, रमा में क्या बदलाव हुए होंगे when she learned to read, जब उसने पढ़ना सीख लिया होगा तो उसमें क्या बदलाव हुए होंगे, इसका आंसर आपको खुद से सोच के राइट करना है, ठीक है कर लेंगे कि नहीं मैम। थर्ड वाला आंसर हाँ बता रहे हैं उसको, हाँ था इसी का पहला दूसरा दोनों करना है, दूसरे में क्या देखिए क्या करना है, जिया एंड हुसैन टॉट रमा टू रीड, जिया हुसैन ने रमा को पढ़ना और लिखना सिखाया। डू यू थिंक, क्या सोचते हैं, दे आर लर्न समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कि वे भी कुछ भी लर्न किए होंगे एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभव के द्वारा ही उन्होंने पहले सीखा होगा कि नहीं बताइए। उसने तो जिया मैम बुक में राइट कर ले हम, हाँ बुक में कर लेना बाद में भी, तो इसका आंसर आपको राइट करना है, जिया हुसैन टॉट रमा टू रीड, जिया हुसैन ने रमा को पढ़ना सिखाया। डू यू थिंक दे आल्सो लर्नड समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ जो सीखा जो रमा को सिखाया, क्या उन्होंने उसको एक्सपीरियंस से सीखा था, अनुभव से सीखा था, कहाँ से आया सब चीजें। मैम हुसैन ने मैम सिखाया, हाँ तो सिखाया क्योंकि वो लोग कहाँ से सीखे थे मैम, वो लोग मैम स्कूल से सीखे थे। अब जिस दिन का इसका आंसर खुद से आप लोग राइट करेंगे, एक बार कोशिश करना फिर आगे करवाएंगे हम, ठीक है ठीक है, आपको एक बार कोशिश करना लिखने के लिए, जो वो यहाँ पे जो लिखे क्वेश्चन लिखे होते हैं लेट्स गो बियॉन्ड द स्टोरी, भी जो भी क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चैप्टर में, तो उस क्वेश्चन से आंसर आपको खुद से लिखने होते हैं, फिर आप कोशिश करना फिर बताएंगे, ठीक है ओके। चले बुक्स ही ओपन कर लीजिए जल्दी से, आप सभी बुक्स ही मैम बुक्स ही बुक्स ही बेटा, पेज नंबर क्या है, पेपर कार्ड ओपन करना है, पेज नंबर क्या पूछ रहे हो, पेपर कार्ड ओपन कर लीजिए पहला पेज, चैप्टर थर्ड का पहला पेज, मिला मैम रमा लर्न्स टू रीड मैम पेज नंबर, पेज नंबर भी बोलेंगे आप खुद भी ओपन कर लीजिए, चैप्टर कार्ड हम बता दिए हैं, पेज नंबर जो भी होगा सब मैं चैप्टर में ओपन कर लेना, चैप्टर कार्ड ओपन करना बुक्स ही में, पेज नंबर कहाँ पड़ेगा इन लोगों को। ट्वेंटी टू पेज नंबर, आंसर दीज क्वेश्चन, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर आपको देना है, पहला है
Have you ever helped someone like Lava? Have you helped someone? आपने कभी किसी की हेल्प की है? कितने बच्चे आपके पास बात बात कर रहे हैं, माइक ऑन कर लेते हो? Have you ever helped someone like Rama? Someone means किसी की, तो आपने कभी किसी की हेल्प की है Rama की तरह, like Rama, ठीक है? Have you ever helped someone like Rama? जैसे Rama की तरह कोई लड़की रही हो, आपने कभी ऐसी लड़की की या किसी ऐसे बॉय की हेल्प की है जो कि Rama की तरह रहा हो? जैसे Rama यहाँ पे स्टोरी में पढ़ना नहीं आता है, ऐसे ही क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है Rama की तरह? Have you, how do you feel about it? आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं? Share your views. आपको अपने view को share करना है कि आप उसके अपने विचार को बताना है कि आप उसके बारे में क्या feel करते हैं. If you met someone like Rama, यदि आप किसी से मिले Rama की तरह कोई हो जिससे आप मिले, would you help him? मैम English का है? नहीं EVS का है. EVS का बेटा English का नहीं है. पढ़ा इंग्लिश तो पूछ रहे इंग्लिश का है, इतना समझ नहीं आता इनको, तब पढ़ने का मन आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं. If you met someone like Rama, would you help him or her? यदि आप कभी Rama की तरह किसी से मिलो तो क्या आप उसकी हेल्प करोगे बेटा? इसका आंसर आपको लिखना है कि क्या आप कभी Rama के साथ किसी से मिलते हो तो आप उसकी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे? मैम ग्रुप खोल लीजिए. ग्रुप नहीं खुला है अभी, फिर अभी खोल देते हैं, क्लास एंड हो खोल देते हैं. तो इसके आंसर को मैम मेरे में ये नो है, माय में नहीं, माय को कलर से है. क्या क्या है आपकी बुक में बताइए? मैम मेरे में ये नो है. क्या है आपकी बुक में, पांच पाई क्या लिखा हुआ है? रीड तो क्या लिखा है आपकी बुक में? टाइम नहीं बेटा, टाइम ओवर हो गया, बस जो बचा हुआ 1 मिनट कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, इसलिए बाद में करवाएंगे. मैम ये EVS की खोले हैं. हाँ खोलो, EVS के में कहा तो EVS खोल भी लिए तो समझ नहीं आता है इनको, खोलने दो उनको. बेटा इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश तो ओपन करना, इंग्लिश क्यों ओपन कर रहे हो आदत गुप्ता? पढ़ने बैठे लेकिन मन कहीं और रहता है, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं. पढ़ाई जा रहा है इंग्लिश तो पूछ रहे मैंने कौन सी बुक ओपन करनी है, इंग्लिश की या EVS की? फिर इसको बाद में करवाएंगे, टाइम ओवर हो गया है. जितना करवाएगा उतना वो सेंड कर देंगे बेटा, किसको बाद में करवा देंगे. ओके Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, goodbye students. Yes. Ma'am, goodbye. Ma'am. Goodbye.